नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आश्वासन दिया कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में विश्व का विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। गुजरात में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, प्रमुख राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे। भारत और कंबोडिया आज भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मध्य चीन में एक फैक्ट्री में आग लगने से 38 लोगों की मृत्यु और 2 घायल। और नेपियर में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्रों की मूल प्रति देश के 45 स्थानों पर वितरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। ये मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त कर्मियों के लिए ऑनलाइन अनुकूलन पाठ्यक्रम है। नए कर्मचारियों को अपना ज्ञान, कौशल और सक्षमता बढ़ाने के लिए igotkarmyogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य कोर्स करने का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में कई रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग करने को शीर्ष प्राथमिकता दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि कर्मयोगी भारत मंच पर कई कोर्स उपलब्ध होंगे जिनसे नवनियुक्त कर्मियों की प्रगति में सहायता मिलेगी। आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम दिया गया है कर्मयोगी प्रारंभ। आप कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्सेज का जरूर ज्यादा फायदा उठाएंगे ही। इससे आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी और भविष्य में आपको अपने कैरियर में भी काफी लाभ होगा। आगामी दशकों में देश को विकसित बनाने के भारत के प्रयासों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के विशेषज्ञ भारत की प्रगति पथ के बारे में आशावान हैं। उन्होंने कहा कि देश में विश्व का विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि कुशल श्रम शक्ति इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण सरकारी और निजी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार के नए अवसर बना रही। यानी सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नई नौकरियों की संभावना लगातार बढ़ रही है कि ये नए अवसर युवाओं के लिए उनके अपने शहर, अपने गांवों में बन रहे हैं और वो अपने क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग भी कर पा रहे हैं। इस अवसर पर कार्मिक जन शिकायत पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। सिक्किम में 24 कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर गंगटोक के राज्य पर्यटन कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार उपस्थित हुए। नियुक्ति पत्र मिलने पर लाभार्थी सुमन ने सरकार का आभार व्यक्त किया। लेटर के लिए मैंने SSC GD कांस्टेबल के लिए एग्जाम दिया था, फाइनली मेरा आज ज्वाइनिंग लेटर आ गया है जो कि नेक्स्ट मंथ मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मुझे इसे बहुत इतनी जल्दी भर्ती कम्प्लीट हो गई तो मैं सरकार का और गवर्नमेंट का थैंक यू करना चाहती हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में कृषि विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2023 के लिए आम बजट की तैयारियों के तहत बजट पूर्व विचार विमर्श के सिलसिले में ये तीसरी बैठक थी।
वित्त मंत्री दोपहर बाद वित्त क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगी। गुजरात में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। इसके लिए कुल 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में 833 उम्मीदवार हैं। दोनों चरणों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ़ भाजपा ने आज से दूसरे चरण के चुनाव के लिए सघन प्रचार अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मनसुख मांडविया, जयराम ठाकुर और गजेंद्र सिंह शेखावत सहित पार्टी के 27 वरिष्ठ नेता 73 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी ने आज से दूसरे चरण के सभी 93 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पार्टी नेता कन्हैया कुमार ने आज अहमदाबाद के दरियापुर में एक जनसभा को संबोधित किया, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज राज्य में खंबालिया और सूरत में कुल 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी के साथ अहमदाबाद से मैं अपर्णा खून। राज्य में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के कन्हैया कुमार और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं। राज्य के पिछले विधानसभा चुनावों पर एक नजर। 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 139 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं 1990 के चुनाव में जनता दल और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। कांग्रेस के सिर्फ 33 विधायक ही जीत सके थे। वर्ष 1995 में जनता दल और भाजपा का गठबंधन टूट गया, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने 121 सीटों पर जीत हासिल करके गुजरात में सरकार बनाई। इस चुनाव में कांग्रेस को 45 सीटों से संतोष करना पड़ा था, जबकि जनता दल को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। वर्ष 1998 के मध्यावधि चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 117 सीटें जीती। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को 127 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार 50 सीटों पर जीते। भाजपा ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने तथा यहां से मोदी युग की शुरुआत हुई। 2007 के चुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 117 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस ने 59 सीटें जीती थीं। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की। राज्य में पूर्ण बहुमत आने के बाद नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। 2017 के चुनाव में भाजपा को 99 सीटें मिली, तो कांग्रेस ने 1985 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 77 सीटों पर कब्जा किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकतें झोंक दी हैं। चुनाव डेस्क से निशात अजीज की रिपोर्ट के साथ मैं दीपमाला कौशिक। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल इंडिया रेडियो की पेशकश अभ्यास सिर्फ आपके लिए है। इस बार का विषय है मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास, और आप हमें अपने सवाल 23 नवंबर तक भेज सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9289094044 पर। आपके सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 इसी चैनल पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कंबोडिया आज भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में भारत आसियान साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलुओं की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कंबोडिया के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने और परस्पर सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। राजनाथ सिंह कल बैठक को संबोधित करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए आयुर्वेद स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। आकाशवाणी के रंग भवन में आयोजित इस शिविर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सक निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं और स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं।
श्री द्विवेदी ने आकाशवाणी परिसर में आयुर्वेदिक पौधा भी लगाया। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. वसुधा गुप्ता, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मध्य चीन के आन्यांग शहर में एक फैक्ट्री में आग लगने से 38 लोग मारे गए और 2 घायल हो गए। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया है कि रसायनों और अन्य औद्योगिक सामानों वाली एक कंपनी में सोमवार की शाम आग लगने की सूचना मिली थी। 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने कहा कि आग लगने के सिलसिले में संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन आग के कारणों का भी पता नहीं चला है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में भूकंप के कारण मृतकों की संख्या 162 हो गई है। भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा के सियांजुर टाउन में 10 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप ग्रस्त क्षेत्र घनी आबादी वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरने वाले लोगों और संपत्ति के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत दुख की इस घड़ी में इंडोनेशिया के साथ है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सोलोमन द्वीप में आज 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें किसी के हताहत होने या मारे जाने की खबर नहीं है। भूकंप के बाद 3 बार फिर झटके महसूस किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप सी में दोपहर बाद 3:30 अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से और ग्रुप डी में शाम 6:30 डेनमार्क का सामना ट्यूनिशिया से होगा। ग्रुप सी में रात 9:30 मैक्सिको और पोलैंड तथा ग्रुप डी में रात 12:30 फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। एक रिपोर्ट। खिताब के प्रबल दावेदार और लगातार 36 मैचों से अजय अर्जेंटीना की टीम के पास सऊदी अरब के साथ मैच में जोरदार शुरुआत करने का मौका होगा। सबकी नजरें 5वां विश्व कप खेल रहे कप्तान लियोनेल मेसी पर होंगी। मेसी की फिटनेस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सऊदी अरब की टीम क्वालिफाइंग मुकाबलों में आसानी के साथ विश्व कप का टिकट पाने में सफल रही थी। उधर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच में चोटिल करीम बेंजेमा के बिना भी पूर्व चैंपियन फ्रांस की अग्रिम पंक्ति काफी मजबूत है। किलियन एम्बापे, एंटोनी ग्रिजमैन और ओलिवियर गिरूड ने 119 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और उनके अनुभव तथा कौशल का विरोधी टीम के पास कोई जवाब नहीं है। फुटबॉल प्रेमियों को डेनमार्क और ट्यूनिशिया तथा मैक्सिको और पोलैंड के बीच भी जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। न्यूजीलैंड के नेपियर में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 161 रन का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच वेलिंगटन में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। भारत ने दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि वे फिल्मोत्सव का भरपूर आनंद उठा सकें। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की ओर से दिव्यांगों के लिए 2 पाठ्यक्रम भी निःशुल्क शुरू किए जा रहे हैं। इनमें एक ऑटिज्म पीड़ित व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन के जरिए फिल्म निर्माण और दूसरा व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए अभिनय का बुनियादी पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य फिल्मोत्सव को अधिक समावेशी बनाना और फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले दिव्यांगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। फिल्म समारोह में दिव्यांगजन की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम स्थलों पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को आश्वासन दिया है कि सरकार नौकरियां उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में विश्व का विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता है। गुजरात में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के कन्हैया कुमार और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल प्रचार कर रहे हैं। भारत और कंबोडिया आज भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मध्य चीन में एक फैक्ट्री में आग लगने से 38 लोगों की मृत्यु और 2 घायल। नेपियर में भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।